क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश में ये रिवीजन नंबर 4 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस रिवीजन में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है गिव द अपोजिट। गिव द अपोजिट का मतलब है यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका हमें क्या करना है, इनका अपोजिट लिखना, मतलब इनके विलोम शब्द लिखना है ना बेटा। गिव द अपोजिट मतलब इनके विलोम शब्द लिखने हैं, इनके उल्टे शब्द लिखने हैं, इनके अपोजिट वाले वर्ड लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, इसका अपोजिट क्या होगा, हॉट मीन्स गर्म। क्या लिखा है यहाँ पर, हॉट, HOT, हॉट मतलब गर्म। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, इसका अपोजिट क्या होगा, बिग मीन्स बड़ा, है ना। इसके बाद है थर्ड कम। कम मीन्स आना, इसका अपोजिट क्या होगा, गो मीन्स जाना। इस नेक्स्ट है फोर गर्ल मीन्स लड़की, इसका अपोजिट क्या होगा, बॉय मीन्स लड़का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में गिव द अपोजिट मतलब इनके विलोम शब्द लिखने थे, उल्टे शब्द लिखने थे। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए थे उनमें फर्स्ट कोल्ड था, इसका कोल्ड मतलब ठंडा था, इसका हमने हॉट लिखा मीन्स गर्म, ठंडे का गर्म, कोल्ड का होल्ड। इसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल था मीन्स छोटा, यहाँ पर हमने इसका अपोजिट लिखा है बिग मतलब छोटे का बड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड कम था मीन्स आना, हमने इसका अपोजिट गो मीन्स जाना, आना जाना। इसके बाद फोर है गर्ल मीन्स लड़की, इसका अपोजिट क्या होगा, बॉय। अब यहाँ पर बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहे हैं फिल इन द मिसिंग लेटर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर ये इनमें जो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर ये लेटर मिस है, है ना। इनको हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल करके कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है बी ब्लैंक एस, इसमें हम यदि यू लिखते हैं इस तरीके से, क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा BUS मीन्स ये क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर बस, BUS बस। इसमें जो लेटर मिसिंग था यू, हमने उसमें यू फिल कर दिया, BUS बस हो गया। इसके बाद सेकंड है बी ब्लैंक बाय, यहाँ पर ये दे रहे हैं बी ब्लैंक बाय, क्या दे रहे हैं, बी और बीच में ब्लैंक दे रहे हैं और इसके बाद दे रहे हैं बाय। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम कौन सा लेटर फिल करेंगे, ओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा बी ओ बाय, बॉय हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी ओ बाय, बॉय हो जाएगा मीन्स लड़का। इसी तरीके से जो थर्ड दे रहे हैं उसमें कौन सा लेटर मिस दे रहे हैं, जे ब्लैंक जी दे रहे हैं। अगर इसमें हम यू फिल करते हैं, यहाँ पर यू फिल करते हैं तो ये हो जाएगा जी यू जी, जग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जे यू जी, जग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो फोर नंबर है उसमें दे रहे हैं एफ ब्लैंक एन, इस तरीके से दे रहे हैं। अगर इसमें हम यू फिल करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यू फिल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फन। फन मीन्स होता है मजाक, फन मीन्स क्या होता है, मजाक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 था फिल इन द मिसिंग लेटर्स मतलब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए थे इसमें कुछ लेटर मिस थे, आपको इनको फिल करना था। हमने यहाँ पर फिल करा बी, इसमें हमने बी एस दिया था, बीच में ब्लैंक था, इसमें यू फिल करा तो बस हो गया। इसी तरीके से सेकंड वी ब्लैंक बाय दिया था, इसमें हमने ओ फिल करा तो बॉय हो गया मीन्स लड़का। इसके बाद यहाँ पर थर्ड जे ब्लैंक जी दिया था, इसमें यू फिल करा तो ये जग हो गया, जग मीन्स जग हो गया। इसके बाद फोर जो था लास्ट वाला एफ ब्लैंक एन दिया था हमने, इसमें यू फिल करा तो ये फन हो गया। तो इस तरीके से रिवीजन 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मतलब गिव द अपोजिट वर्ड और फिल इन द मिसिंग लेटर्स वाला जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू।